चलो देखते हैं। तो मेकअप करते हो वैसे? फेयर एंड लवली बस। तुम्हें करना चाहिए मेकअप, कैमरे सामने तो करना चाहिए, तभी तुम गंदे दिखते हो कैमरे पर। ये क्यों लगाओगे तुम? क्यों? नहीं सिर्फ सटल। अब कहाँ गई इक्वालिटी? मैं क्यों नहीं लगा सकता? क्यों लगाओगे तुम? ब्लश लगाओ ना, मैंने मना किया तुम्हें। वैसे जो तुम ये कान में पहन रही हो ना, पंजाब में स्टेयरिंग बनाए रखे हैं। हेलो गाइस, आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही एक सेंसिटिव मोड पे स्टार्ट हुआ, तो हमने पूरे शो का फॉर्मेट तैयार किया था और आज हमारी गेस्ट हैं रूही राय। तो जैसे ही हमने पूरा फॉर्मेट तैयार किया, मैंने और बड़े भाई ने उसमें एक छोटा सा चैलेंज डाला था जहाँ पे हम हर्ष को एज अ रूही राय का हेटर दिखाएंगे, हर्ष को उसको क्रिटिसाइज करना, वो हर्ष को काउंटर करेगी, जो कि तुम मेन वीडियो में देखोगे कि वो कैसे आएगा पूरा सेक्शन। बट जो हर्ष भाई है अभी उस रूही के साथ जो वीडियो शूट करनी है उसमें सिर्फ एक घंटा बाकी है, हर्ष भाई अब तक अनप्रिपेयर्ड है। इन्होंने एक जोक मारा, वो भी जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ। मुझे क्या बोला तुमने, वो भी यूज कर लिया? वो यूज करा इसने, मैंने बताया था, मगर मैं इस जोक से शुरू करूँ उसमें लिख लिया। तो देखो भाई, हर्ष की झंड भी हो सके, कुछ भी हो सके वो वीडियो में, वो तो मैं तुम्हें शूट करने के बाद बता दूंगा कि किसकी हुई। हर्ष भाई मतलब तुझे एक इतना बड़ा काम दे रहे हैं हम आज, इतना बड़ा काम दे रहे, अगर यो भी ना हुआ ना पूरे इंटरनेट पे वो क्लिप्स वायरल होंगी अगर तुमने झंड करा ली अपनी। किसी और ने डाली तो हम अपने शॉर्ट चैनल से डाल देंगे, और अगर रूही राय के शॉर्ट चैनल से ही डल गई तो डिलीट भी नहीं होने की दिक्कत में। निको देश का सबसे उभरता हुआ इंफोटेनमेंट चैनल, अपनी बेइज्जती करो बेटा, आगे आगे बहुत दिक्कत कर देगी वो क्लिप अगर तुमने आज कुछ ना करा। ये भाई उनको क्या बोल रहे हो, वो तो जर्मनी से अच्छी वीडियो बना रहे हैं, आप तो रूही राय को भी जवाब नहीं दे पाए थे। नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम तुझे कुछ लिमिट्स देंगे, तुझे उन लिमिट्स के बाहर नहीं बोलना, बट रूही आउट ऑफ लिमिट बोल सके, यहाँ भी फंसेगा। अबे तू कैसे बोल रहे हैं मुझे, होते ही तो बीच में वो शो बीच में रोकना पड़ता, बीच में रोकना पड़ता उसे निकालने के लिए, फिर भी तो कह जाते हैं निकाल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क पड़ा ही नहीं सच में, उसमें से नहीं पड़ा। जितने भी लोग गए मतलब सब की इंटेंशन अंदर से कहीं ना कहीं जीतने की थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि पूरा सोशल मीडिया जो मुट्ठी में कर रखा था उसने, फिर मुट्ठी मार दी। वो तो नहीं, वो तो सोशल मीडिया दो दिन में मार दे, सोशल मीडिया की हाइप बस दो ही दिन की है, लोग भूल गए कर दिया था उसने। मेरी रही बस 7 साल से तो मेरी है, लोग मिले उसे किसी तरह। तो आज क्या है, आज संडे था और हम लोगों को एक वीडियो पर डालनी थी बहुत जरूरी, जिसकी हम बहुत टाइम से हाइप भी बना रहे, फेक नहीं है लेकिन रियल हाइप है। पर क्या हुआ, मैंने बड़े भाई को कहा, मैंने कहा एशिया का फाइनल है तो रात तक तो वही चलेगा भाई, 50-50 ओवर मैच तो कल डाल लेंगे, नहीं तो वीडियो पे ना इनिशियल व्यूज नहीं आते। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था मैच, अभी 4:45 बजे से जैसे ही मैंने खोला भाई, 12:55 फिर इतना प्ले करी वीडियो, 12:56 मगर तो एक घंटे में खत्म होने वाला भाई मैच, डालनी पड़ेगी वीडियो, रेडी कर लो भाई। फिर तो रूही भाई बीच में रुकेंगे, मैं करूँ वीडियो लाइव कर लें पहले। ये मेरी बुआ का लड़का है, इसको थार का शौक था तो इसने ये गाना बनाया था, बढ़िया है, कभी थार में चलाना तुम्हें फील आएगी चलाने। थार ली कब तुमने? ये मेरे भाई के, मेरी नहीं है। भाई भी है तुम्हारा? हाँ मेरे दो भाई है। सही है, मैं यंगेस्ट वन। तुम्हारे सिब्लिंग्स? यही है अपने तो भाई। रियल? नहीं रियल नहीं। तुम अकेले हो? या मैं तो मैं ऐसा हूँ सिग्मा मेल। अपने आप को ही, अपने आप को बोल रही हूँ सिग्मा मेल, क्या पता मुझे। हाँ तो रूही एक बार और वो बोल दो, वो बोल रही थी ना अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे थे कि मैं रियल में बहुत अच्छा दिखता हूँ कैमरे से, बहुत मतलब वीडियो से बहुत सही। लेकिन इन्हें कैसे पता चले गए, तो वापस वीडियो में ही देख रहे हैं मुझे। वही तो ना, पता नहीं क्या, तुम अपने एडिटर को बोलो थोड़ा तुम्हें कुछ अच्छा करे। क्योंकि वो दे जाओ मुझे वो जो तुम लगा रही थी अभी फेस पे ना, कॉम्पैक्ट। नहीं मैं थोड़ा ज्यादा गोरा हूँ। तो फिर तो तुम पे जाएगा, रुको लगवाई लू भाई, व्यूज के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। वो तुम्हारा मेरा स्किन टोन सेम है क्या? नहीं मैं ज्यादा एक टोन गोरा हूँ। चलो देखते हैं। तो मेकअप करते हो वैसे? फेयर एंड लवली बस। तुम्हें करना चाहिए मेकअप, कैमरे सामने तो करना चाहिए, तभी तुम गंदे दिखते हो कैमरे पर। सही बता रही हूँ मैं, तभी कैमरे पर गंदे। देखो 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 एक बार इधर देखो, लेफ्ट राइट में फर्क है कि नहीं है? आया कुछ फर्क? भाई ले लो ये क्या, ये डिब्बी से ले कर ले लो। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं कॉम्पैक्ट। कहाँ मिलता है? मैक।
ऐसे ही बना लेंगे इतने तो सारे ही कमावे एक वीडियो से उसके ही मेकअप लगा के बैठ के नहीं सर तुम मेकअप क्या करो इतना अच्छा लग रहा है एक बार बता दो तुम बता दो खुद से देखो ये वाला ज्यादा ग्लो नहीं कर रहा ये साइड यार 4,000 रुपए से कुछ तो फर्क आना चाहिए। हाँ, देख लो लेफ्ट और राइट में फर्क। हाँ भाई है देखो भाई है हल्का सा इस साइड आटा लगा है मतलब डार्क सर्कल भी छुपा देगा हाँ। इसकी जगह चून भी लगा सकते हो आटे वाले नहीं कंसीलर अच्छा तो इससे ऐसा नहीं होता कि मतलब मैंने ऐसे सुना कि मेकअप से स्किन खराब हो जाती है ऐसा कुछ नहीं होता स्किन केयर करोगे तो नहीं अरे खराब हो जाएगी तो दोबारा लगा के दिखेगा सही बात है बट नहीं होगी और ये भी ये पिंक वाले ये भी लगाएगा ये क्यों लगाओगे तुम नहीं सिर्फ सेटल अब कहां गई इक्वालिटी मैं क्यों नहीं लगा सकता क्यों लगाओगे तुम ब्लश लगा ना मैंने मना किया तुम्हें वैसे जो तुम ये कान में पहन रही हो ना पंजाब में स्टेयरिंग बनाए रखे हैं सच में एवरीडे यूर कूल बहुत ट्रेंडी है सच में मेरे यार स्टेयरिंग नहीं एलोई व्हील अरे नहीं स्टेयरिंग में भी लगा स्टेयरिंग पे भी लगा वो आगे से टैग कल परसों भी मैं एक रील देख रहा था मैंने बात किया से इंस्पायर्ड हो गए डिजाइन पूरा लगा देती हूं मुझे ऐसे एंजाइटी हो जाएगी आगे अरे रुक नहीं थोड़ा तो किया करो यार सही में कंसीलर ही लगा लिया करो 500 वाला भी अच्छा आता है मैं मेबलिन का मैं तो वाले गिफ्ट ला दूंगी रुपए हमारे साथ अब बेइज्जती होगी अब तो महंगी लाना पड़ेगा कहीं पे नहीं सही में यार डीएलएफ में मिल जाएगा ये मैं हां तुम्हें चलना है तो बता रहा हूं मैं तुम्हें क्योंकि तुम्हारा टोन मिलना जरूरी है नहीं टोन तो मिलवा दियो पैसे की बात है देखो कितना सही नहीं लग रहा पैसे की बात है लग रहा भाई मजा आ गया कुछ कुछ तो है कुछ तो लेकिन बात ये है ना कि हम सुबह वीडियो शूट करते हैं शाम में जाके स्पॉन्सर शूट करते हैं उसमें दो टोन आ ही रहेंगे मेरे नहीं अगर फेस टच नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा लेकिन अब यूएस में चलाने कटने का ऐसा मुझे मुझे एक जोक याद आ रहा है यार अब हम कैसे शूट करेंगे भाई दोनों कैमरा के लेंस तो रूही ने अपने आग में लगा लिए कॉमेडी खुद के हाथ से निकाल लेती हूँ तुम ऐसे नहीं मेरे पास वो है इसके सारे इक्विपमेंट्स है मतलब ये सब चीज डिसेंबल करने में रात में एक डेढ़ घंटा तो लगता होगा सुबह फिर असेंबल करो सारे और जैसे शो पे थी तुम तो वहाँ तो डेली बहुत टाइम जाता होगा मेकअप वगैरह हाँ क्योंकि वहाँ पे कैमरे के लिए ज्यादा करना पड़ता है ना जो ऐसे कैमरे के लिए बहुत ज्यादा मेकअप करना पड़ता है क्योंकि दिखता नहीं है तभी तुम्हें बोला थोड़ा मोड़ा तुम भी कर लिया करो मैं तो दिखता हूँ मुझे मेकअप आर्टिस्ट रख लो जॉब दे दो सर मेरा तो इतना गाढ़ा रंग है मैं तो रोशनी में लगी दिखता हूँ बैठा हुआ गेहूं और रंग थोड़ा सा दबा हुआ मेरा थोड़ा दबा हुआ रंग समझती हो जैसा विकांशु है मतलब अगर रेसिस्ट साउंड ना करना हो और बात कह भी लेनी दस की हाँ दस की तो है दारू का दस की लड़के हॉट लगते हैं दस की काका कैसा लगता है उसे हमें कोई कुछ बोल ही नहीं सकते इस बात प्लीज सच बताऊं दिल से जितने रोस्ट बनाने वाले होते हैं कि इतने मीडियोकर ही होते मतलब मीडियोकर क्या मीडियोकर से दिखने वाले सुनो सुनो मेरी तो इसने तारीफ की थी थगेश के लिए था नहीं ये दिल से बहुत खुश है मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स भी पूछते क्या है नहीं मुझे तो बोलते होंगे कि यार वो तो और है क्या हैंडसम लड़के ने रोस्ट किया मेरी किस्मत खोल दी तेरी तो रोस्ट कर गया नहीं 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 ऐसे पता नहीं क्यों सब मतलब सही में मैंने भी नोटिस किया सब इतने अजीब से गंदे से नहाते नहीं होगे तुम लोग लगता भी नहीं है इसलिए मेकअप क्या करो थोड़े लगोगे इंसान थोड़ा सा और बुलवाऊंगा मैं मुझे 2000 कमेंट करवाने हैं तब तो मुझे हेट करेंगे इस बात पे फिर इसके कमेंट पे बैठ के बना दूंगा रिप्लाई टू माय हेटर्स ठीक है वो यार वो भावनाओं में बह जाती है ऐसी है नहीं वो दिल की इससे ज्यादा बट मैंने सच बात बोली है बट तुम लोग सही में ऐसा लगा नहाते नहीं हो मैं ना तो
तुम सारे के सारे जितने रोस्ट करते हो। हाँ ये तो विकांशु का तो ऐसे ही है। लेकिन मैं रोस्टर नहीं हूँ ना भाई। एक बात बताओ, सुनो, क्या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पैसा कमा पा रहे हैं? नहीं कमा पा रहे, सिर्फ फेम। फेम इंस्टाग्राम पे सिर्फ फेम है, पैसा कहाँ है? मोनेटाइजेशन थोड़ना है, वो चालू करा था उन्होंने। हमारे से पूछो, तुम बताओ कितने पैसे कमाते हो आप इंस्टाग्राम से? सर बहुत पैसा, बहुत है। कितना? बहुत है पैसा। तो पैसा बहुत है, इंस्टाग्राम से कितना कमाते हो? है मतलब एक विदेश ट्रिप मार लें महीने की, जैसे गेम कर लेते हैं, एक विदेश ट्रिप कर लेते हैं, ऊपर से HR26EV001 नीचे 0001 फॉर्च्यूनर खड़ी है। एड्रेस भी बता दें। हां एड्रेस बता दें, नोएडा सेक्टर। है पैसा है यार। कमाते कितना? पैसा तो है आगे। कमाते बढ़िया है, अभी मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से नहीं, अभी मैं थोड़ा ठीक हूं। तुम सच में जिम आना मेरे लड़कियों को बाहर। अभी थोड़ा मीडियो कर रह गई, सही चल रहा है सब। नहीं बट जब वो हमारे लुक्स पे बोल सकते हैं तो मैं भी बोल रही हूँ मीडियो कर। हमारे यहाँ जब भी आते हैं कई सारे गेस्ट एक साथ आते हैं। आज रूही राय के साथ हमारे बिगेस्ट मेंटोर भी अभी गए, जिनका मैं भैया का जिक्र करता रहा हूँ, हर्ष भैया का। तो आज भी लाइफ के काफ़ी तगड़े लेसन्स दे के जाएँ, इम्पोर्टेंट लेसन्स मिल गए, बल्कि गलत काम भी अच्छे से ही समझा के जाएँ। कोई गलत काम भी करना तो अच्छे से करना। और आज तो मतलब ऐसा एक लेसन दे दिया जिसके लिए काफ़ी टाइम रिग्रेट में रहे, आज ऐसा लेसन मिल गया। अब मैं एक बहुत खतरनाक चीज़ को बहुत लाइट लूँगा लाइफ में। विजडम वाली चीज़ें हैं, और ये तुम्हें कहीं बुक से और कहीं खुद से वैसे सीखने के लिए नहीं मिलने की, अनलेस कोई तुम्हें अपना ज्ञान शेयर करे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सीखे बहुत लोग रखे हैं चीज़ें, बताता भाई कोई किसी को बताता नहीं, क्योंकि आदमी चाहे कि सामने वाला मार खा के ही सीखे, लेकिन भैया काफ़ी चीज़ें बता के चले जाए यार। सोचना पड़ जाऊँ मैं यार सच में। धीरे धीरे यही है, धीरे धीरे एक बार भैया आ गए, अगली बार जब तक मिला है ज्ञान की बातें मैं अपनी बना के बताता रहूँ लोगों को। हाँ मैं भी ऐसा ही करूँ, मगर ये मेरी बातें हैं, ऐसा ही सिखा दिया लाइफ ने सिखा दिया। यूँ नहीं पता कि दूसरों के 12-14 साल के एक्सपीरियंस लिए घूम रहे हैं रिकॉर्ड करके रट के सुना के। आज तो मतलब एक जगह तो एंड में ऐसा डिस्कशन हुआ ना, वो मैं कहना था ब्रोस भैया को समझ नहीं आया, कह रहे क्या, मगर कुछ नहीं होता, 3 दिन पहले हमें डिस्कशन कर रहे थे इस बात का। बहुत उसमें थे अपने रूटीन को लेकर और उस चीज़ को लेकर, वो चीज़ बहुत अलग पर्सपेक्टिव से समझी हमने आज। मतलब लोग तो ये कह रहे हैं कि छिना लग रो मस्ती करो, लेकिन ये चीज़ें भी जरूरी हैं इसका सोनी। लेकिन मैं इन चीज़ों को खोल के समझाऊंगा कभी, अभी बहुत बंद बंद ऊपर से। स्टोरी टाइम में समझाते हैं भैया के साथ भी, एक स्टोरी टाइम करेंगे भैया, 1.5 घंटे का ही बनवा देंगे। स्पॉटिफाई पर डालना पड़ेगा, तुम हमें ही देखना छोड़ दोगे, अपने काम पे ही निकल पड़ोगे। ठीक है यार, होने चाहिए, इसीलिए लोग कहें कि बड़े भाई बहन होने बहुत जरूरी है, और बड़े भाई बहन भी वो जो थोड़ा जिन्हें लाइफ एक्सपीरियंस हो, जिन्हें ज्ञान हो।